हेलो एवरीवन, IITN ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत अच्छा शेयर जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी आपको 30% डिस्काउंट पे मिलने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल तरीके से बताऊँगा, चार्ट पे भी आपको बताऊँगा और क्यों इसको लेना है वो रीज़न भी बताऊँगा पीयर कंपनी के साथ में कंपेरिजन करके। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अब चलते हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर एवरीडे मॉर्निंग में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। साथ में आपको इंट्राडे की कॉल्स दी जाती हैं, इंट्राडे में जो न्यूज़ आती है उनसे अपडेट दिया जाता है, और जितनी भी आपकी इंट्राडे के अंदर क्वेरीज आती हैं उनको भी रिजोल्व किया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है वो हमारे अंडर जो लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे वीडियो के ऊपर, फोकस करते हैं कि स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। अब बर्जर पेंट आपने सुना भी होगा, देखा भी है, काम भी किया होगा, लेकिन आप नाम सुन करके नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए। तो आप वीडियो को देख करके आए हो, थंबनेल को देख करके आए हो, तो इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बर्जर पेंट है वो क्या करती है, पेंट बनाती है और उसको बेचती है, जो यहाँ पे घरों के अंदर यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं और बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, वो पेंटिंग के लिए पेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेंट किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। तो वो बनाती है और उसको बेचती है, ये काम है इसका, ठीक है। बस काम जैसे नाम छोटा है उसी प्रकार से मत समझिएगा, बहुत अच्छी कंपनी है। सबसे पहले फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, यहाँ पे 65,000 करोड़ है। करंट प्राइस इसका 675 के करीबन है, हाईएस्ट जो यहाँ पे 52 वीक का हाई है वो 710 का है। यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे इंडस्ट्री का पीई कितना है 56 के करीबन, और स्टॉक का पीई कितना है 76 के करीबन तक का। तो स्टॉक हल्का सा यहाँ पे क्या है, महंगा है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी यहाँ पे महंगा दिख रहा है। DII की बात करेंगे तो यहाँ पे 3.4% या 3.5% मान लीजिए, लेकिन FII इसके अंदर यहाँ पे 10.5% की हिस्सेदारी रखते हैं, और प्रोमोटर्स जो खुद के पास ही रखते हैं 75%, इससे ज़्यादा वो रख नहीं सकते लिस्टेड कंपनी में। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी 75 और ये आप देखोगे तो लगभग 88% का हिस्सा है, वो किसके पास है, बड़े हैंड्स के अंदर है, और पब्लिक के पास कितना है, लगभग 11% के करीबन। प्लेजिंग कंपनी के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी प्लेज नहीं कर रखा है। 1100 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है कंपनी के पास, कर्ज है, जो कि ये शॉर्ट टर्म वाला कर्ज होता है, तो ये कम होता है, ज़्यादा रहता है तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर लॉन्ग टर्म का जो कर्ज होता है वो ज़्यादा रहे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है फंडामेंटली। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ के अंदर बताते हैं कि रेवेन्यू कंपनी का किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली रेवेन्यू है 2014 से यहाँ पे डेटा है, 10 साल का डेटा देखोगे तो यहाँ पे लगभग 3700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था, और अब देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ रुपए करीबन, 10,500 करोड़ रुपए के करीबन रेवेन्यू पहुँच गया है। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है, ईयरली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंपनी 10 साल से लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है। 2014 में 250 करोड़ रुपये का प्रॉफिट करती थी, और आज देखोगे तो यहाँ से 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है, 850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी ने क्या किया है, पिछले 10 साल के अंदर प्रॉफिट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे कितना, लगभग 3.5 से 4 गुना यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया है टाइम्स में, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेवेन्यू है वो भी इसने कितना टाइम्स कर दिया है, लगभग 3 गुना कर दिया है। तो 10 साल के अंदर 3 गुना हुआ है रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो। अब यहाँ पे इसके अंदर बात करें कि इसने रिटर्न किस प्रकार से दिया है, तो शेयर का प्राइस आप देख सकते हो किस प्रकार से इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे शेयर का प्राइस का रिटर्न भी आप देख सकते हो ईयरली, ठीक है। ये ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको प्राइस यहाँ पे 82 रुपए के करीबन था और अभी 675 के करीबन चल रहा है। 3 साल का यहाँ पे इसने रिटर्न नहीं दिया है, पिछले 3 साल से इसने क्या क्या नहीं दिया है, रिटर्न नहीं दिया है, तो ये करेक्शन के अंदर था, ठीक है।
यहाँ पे कोरोना आया था, कोरोना के बाद में जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चलना शुरू हुआ है तो वहाँ पे ये एक बार ऊपर चले गए थे और उसके बाद में इसमें करेक्शन शुरू हो चुकी थी, करेक्शन हो रही थी। 3 साल में इसने कोई रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया है। 5 साल का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे 108% का रिटर्न है और 10 साल का रिटर्न देखोगे तो इसने कितना किया है, 722% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे 10 साल के अंदर 7 गुना रिटर्न दिया है, 7 गुना पैसा कर दिया है इसमें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि इसकी पीयर कंपनी और मैं इस कंपनी को क्यों चुन के लेके आया हूँ। यहाँ पे कंपनी को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि देखिए कोई भी लीडर कंपनी होती है ना, वो लीडर्स से मतलब वो भी इंक्रीज होती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बढ़ती, लेकिन लीडर का कंपनी का और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर उसके ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके प्रोडक्ट ही ज़्यादा होते हैं तो वो सिर्फ डिफेंसिव तरीके से खेलता है। अब एशियन पेंट को देखोगे तो इसका मार्केट कैप है कितना है, 3,21,000 करोड़ के करीबन तक का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे बर्जर पेंट का मार्केट कैप कितना है, यहाँ पे 65,000 करोड़ के करीबन है। और थर्ड वाली देखोगे तो कंजाई नेरोलैक है, इसका 24,000 करोड़ के करीबन मार्केट कैप है। तो क्या ये मार्केट कैप इसको बीट कर देगा? ये अभी नहीं करेगा, बाद में पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 3,00,000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप बढ़ने के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन 65,000 करोड़ की कंपनी को यहाँ पे इंक्रीज होने के अंदर ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इसके पास बहुत सारा यहाँ पे ऊपर के साइड में जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर की कंपनी के चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पे ग्रोथ अच्छे तरीके से करे। दूसरी चीज़ यहाँ पे इस चार्ट को आपको समझना ज़रूरी होगा, यहाँ पे एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर है, मार्केट कितना कैप्चर करता है एशियन पेंट, वो 59% यहाँ पे मार्केट है उसके अंदर एशियन पेंट के प्रोडक्ट बिकते हैं। 18% है वो यहाँ पे बिक रहे हैं बर्जर पेंट के, 15% यहाँ पे कंजाई नेरोलैक के, और हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे 59% कैप्चर कर रखा है, लगभग लगभग सब जगह यहाँ पे एशियन पेंट के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखना होगा कि इसको 59 से 60%, ठीक है, और 61% जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि हर जगह ऑलरेडी बिक रहे हैं, ठीक है, तो इसको बढ़ाने में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 18% है ना, इसको 19% तक यहाँ पे इंक्रीज़ करने में, 20% इंक्रीज़ करने में, 25-30% इंक्रीज़ करने में उतना यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जो मशक्कत है उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इसके पास अभी जगह है मार्केट कैप्चर करने की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह है बर्जर पेंट के पास में, तो सेकंड नंबर की यहाँ पे कंपनी चुनी है, इसलिए चुनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि चार्ट आप देखिए 673 के करीबन है। लोग यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक टॉप बनाया था, लोगों के दिमाग में यहाँ पे आता है कि ये चल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, फिर जब करेक्शन आती है तब वो यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे लेते नहीं है। तो अच्छी कंपनी होती है ना, उसके अंदर करेक्शन के अंदर जब करेक्शन गिर रही हो, कंपनी ऐसे लगे कि मार्केट ख़राब हो रहा है, तो उस टाइम पे इसके अंदर ऐसी सिचुएशन पे लेना चाहिए, ना कि मार्केट बहुत अच्छा हो तब लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि कंपनी ये बहुत अच्छी कंपनी है, कोई समस्या नहीं कंपनी के फंडामेंटल्स में भी और चार्ट पे भी। कंपनी ने क्या किया, यहाँ से देखोगे तो अभी ये काफ़ी अच्छा 2020 से इसने 2021 से मान लीजिए यहाँ पे करेक्शन फेज के अंदर चल रही थी, और यहाँ पे आप देखोगे डबल बॉटम टाइप का बना करके ये ऊपर के अंदर चलना शुरू कर रही है, तो यहाँ पे इसके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है आप देखोगे ऊपर जाने का। अब मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से देखिए ये कौन सा चार्ट है, यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन कर रखा है मैंने, अगर इसको मैं और ओपन करता वीकली तो ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे मंथली चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे शेयर प्राइस है और बहुत अच्छा ऊपर के साइड में चल रहा है, और मंथली चार्ट इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे लगभग साढ़े आठ सौ से लेकर के 880 के करीबन तक का हाई था, उसके बाद में इसने यहाँ पे नीचे के साइड में आया, फिर ये ऊपर गया है और फिर यहाँ पे फिर से नीचे आया है और यहाँ से इसने जाना शुरू किया है ऊपर के साइड में। तो यहाँ पे इसके पास में बहुत अच्छा एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना हुआ है, और ये एक क्या बना हुआ है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस स्विंग को निकाल देगा उसके बाद में ये ऊपर के साइड में चलना शुरू कर देगा। ये इसी प्रकार से चलता है, आपको यहाँ पे चलता है
और फिर करेक्शन करता है, फिर चलता है, फिर करेक्शन करता है। इसके अंदर गिरावट, आपको बड़ी गिरावट देखी कहां आपने? नहीं देखी होगी बिल्कुल भी, कभी भी इसके अंदर बड़ी गिरावट नहीं आई है। ये छोटी मोटी गिरावट तो होती रहती है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि 850 का शेयर, या आप देखोगे कि 880 का शेयर है, वो 675 के करीबन चल रहा था, 500 रुपये के करीबन भी आ गया था, लेकिन अभी ये 675 चल रहा है। अब आपको यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अच्छा शेयर है, इसके अंदर करेक्शन हो चुकी है, यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग में जा सकते हो। दूसरे, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ये वाले जो लेवल्स बने हुए हैं इसके पास में 600 लगभग 700 के करीबन, यहाँ पे जब ये ऊपर के साइड में क्लोजिंग करना शुरू कर देगा तब भी आप इसके अंदर बाइंग के साइड में एंट्री कर सकते हो। तो ये बहुत सेफ जोन है, बर्जर पेंट के अंदर एंट्री करने की अच्छा मौका है, बहुत अच्छा यहाँ पे शेयर है, सेकंड लीडर कंपनी है एक तरीके से। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाना चाहिए, और कम से कम आपको यहाँ पे 2-3 महीने के लिए व्यू नहीं बनाना है, कम से कम 1 साल का जरूर से जरूर बनाइएगा, क्योंकि 3 साल से इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा 3 साल से रिटर्न नहीं दिया है। अगर ये चलना शुरू हुआ है तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 साल के अंदर ही ये रिटर्न दे देगा, लेकिन चलना, चलने की देर है, तो ये चलना जब शुरू करेगा तब इसके अंदर आपको एंट्री ले लेनी है। यहाँ से चलने के जो सिग्नल है वो तो मिलना शुरू हो चुके हैं, चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको दिख गया होगा, यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे आपको दिख गया होगा, यहाँ पे मैंने डबल बॉटम आपको कंफर्मेशन कर दिया है, और ये एक सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। ये क्या है, एक सपोर्ट जोन भी है, क्योंकि यहाँ से इसने क्या लिया था पहले भी, यहाँ से घूम करके फिर ऊपर के साइड में गया था, तो ये एक काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। RSI को देखोगे तो वो भी लगभग 50-55 के करीबन है, तो इसके अंदर भी स्ट्रांगनेस है, यहाँ से ऊपर जाने की कोई इश्यू नहीं है, इसके अंदर भी आप एंट्री ले सकते हो। तो ये बर्जर पेंट की एनालिसिस हो गई, इसको आप 5 साल के लिए होल्ड करो, 10 साल के लिए होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, इसके अंदर 1 रुपया आपका लॉस में नहीं जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।